नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओनली टॉक पर। तांडव एक ऐसी वेब सीरीज है जो रिलीज होते ही विवादों में घिर गई है। वेब सीरीज तांडव पर पूरे देश में तांडव लगातार जारी है। वेब सीरीज से जुड़े लोगों के खिलाफ FIR दर्ज का सिलसिला जारी है। ताजा FIR मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दर्ज हुई है। FIR अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने दर्ज करवाई है। ग्वालियर क्राइम ब्रांच में वेब सीरीज के डायरेक्टर अली अवाज जफर, प्रोड्यूसर हिमांशु, राइटर गौरव सोलंकी के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने की FIR दर्ज की गई है। देखना होगा कि अब ग्वालियर क्राइम ब्रांच इस FIR पर आगे क्या एक्शन लेती है। मालूम हो कि इससे पहले सीरीज पर 6 जगह से FIR दर्ज हो चुकी हैं और सूचना प्रसारण मंत्रालय ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है। उत्तर प्रदेश में तांडव के खिलाफ FIR के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस के 4 पुलिसकर्मी मुंबई पहुंच चुके हैं। खबर है कि मुंबई के घाटकोपर पुलिस स्टेशन में तांडव वेब सीरीज को लेकर FIR दर्ज हुई है। महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि उन्हें सीरीज को लेकर शिकायत मिली है। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की है कि वे OTT प्लेटफॉर्म को लेकर कोई बड़ा कानून लाएं। उन्होंने फिर उस डिबेट को हवा दे दी जिसे लेकर काफी बवाल देखने को मिलता है। उन्होंने अपने बयान के जरिए OTT पर सेंसरशिप की बात भी कह दी है। तांडव सीरीज का निर्देशन अली अब्बास जफर ने किया है। सबसे ज्यादा विवाद एक्टर जिशा नयूब के उस सीन में हुआ है जिसमें जिशान भगवान शिव बन स्टेज से बयानबाजी कर रहे हैं। उससे संत समाज नाराज नजर आ रहा है। मेकर्स की तरफ से माफी जरूर मांगी गई है लेकिन गुस्सा शांत होता हुआ नहीं दिख रहा है। वेब सीरीज तांडव के डायरेक्टर को बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने अली अब्बास जफर को 3 हफ्ते की अग्रिम जमानत दी है। अली अब्बास के खिलाफ उत्तर प्रदेश में दर्ज हुई FIR पर कोर्ट ने जमानत दी है। इससे पहले डायरेक्टर को ने सोशल मीडिया पर इस विवाद पर सफाई दी थी और उन्होंने वहां पर माफी भी मांगी थी।